हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ योर चैप्टर टू ऑफ फिजिक्स सो विदाउट टेकिंग टू लॉन्ग वी विल हेड टूअर्ड्स आर फर्स्ट प्रॉब्लम इन फर्स्ट यू हैव डिस्टेंस इज गिवेन टू यू सो डिस्टेंस इज सिक्स हंड्रेड मीटर्स एंड नाउ दिस बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स विल बी इन दिस सिक्स हंड्रेड मीटर्स सो बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपको ये डिस्टेंस जो छः सौ मीटर दी हुई है यू हैव टू कन्वर्ट इन इट इन किलोमीटर्स सो वी नो दैट वन वन किलोमीटर इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड मीटर्स मतलब ये है कि uh, जो एक किलोमीटर में हमारे बेसिकली वन थाउजेंड मीटर्स होते हैं सो so, यहाँ पे आपके पास छः सौ मीटर्स हैं और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सो so, बेसिकली अगर जो मैं इसको इस थाउजेंड को ऑपोजिट लाऊं मतलब ये थाउजेंड को अगर जो मैं ऑपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इजिक्वल्स टू है हमारा इजिक्वल्स टू के जब ऑपोजिट लाएंगे तो ये हमारा वन अपॉन वन थाउजेंड किलो मीटर इजिक्वल्स टू वन मीटर सो so, आप देख सकते हैं अगर जो वन मीटर है तो वन अपॉन थाउजेंड किलोमीटर के इक्वल है सो so, अगर जो छः सौ मीटर होगा तो दिक्स हंड्रेड डिडेड बाई थाउजेंड मतलब मीटर को कभी भी आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे यू विल डिवाइड बाई थाउजेंड सो ना ये मीटर आपका किस में आ जाएगा किलोमीटर में ये दोनों ज़ीरो दीस टू जीरो विल कैंसल दिज टू ज़ीरोज़ सो सिक्स अपॉन टेन इसको जब सोल्व करेंगे आप सॉल्व करके देख सकते हैं पॉइंट सिक्स आएगा सो पॉइंट सिक्स किलोमीटर सो so, ये आपका पहला आंसर है मतलब जो 600 मीटर था अगर जो किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो कितना बचेगा हमारा डिस्टेंस जो आपका दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में सो so, पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर तो हम जानते हैं अभी लास्ट पेज पे भी मैंने लिखा था वन किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू वन थाउजेंड मीटर्स तो यहाँ देख सकते हैं आप किलोमीटर है मतलब किलोमीटर से जो मीटर में हमें पहुँचना है तो हमें थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू थाउजेंड सो so, जब हम 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा ये मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोग कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूँ सो यो रिजल्ट विल बी 1200 हंड्रेड मीटर्स सॉरी मिक्स हो गया यहाँ पे दिस 1200 हंड्रेड मीटर्स नाउ हम ये भी जानते हैं वन मीटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो योर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्वेल्व हंड्रेड इन टू हंड्रेड अभी आपका किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में दिस विल बी योर ज़ीरो एंड आई एम राइटिंग सेंटीमीटर हेयर सो ट्वेल्व हंड्रेड इन टू हंड्रेड सेंटीमीटर अब जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता ही योर रिजल्ट विल बी वन टू यहाँ पे दो ज़ीरो एंड दो ज़ीरो हमारे हंड्रेड के ऐड हो जाएंगे ये आपका आंसर आ जाएगा सो यू हैव वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड सेंटीमीटर्स नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड बेसिकली आपको थर्टी फाइव सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है आपका कितना है थर्टी फाइव सेंटीमीटर और आपको एम mm में कन्वर्ट करना है हम ये जानते हैं वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन एम ये बेसिक कन्वर्जेंस हैं जो भी मैं यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में सो वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन एम एम सो ये आपका डिस्टेंस है सो थर्टी फाइव सेंटीमीटर है तो अगर जो मैं टेन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा किस में आ जाएगा एम mm एम में सो so आपका आंसर आ जाएगा थ्री फिफ्टी एम एम मतलब अब यहाँ से एक आप कंक्लूजन निकाल लो कि कभी भी आपको सेंटीमीटर दिया है एंड यू आर आज टू कन्वर्ट दिस इंटू मीटर सो आप सिंपली क्या करोगे टेन से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो हमारा एम mm एम में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी so मीटर मैंने बोला था वहाँ पर मीटर नहीं होगा एम mm एम होगा now again heading to the next numerical numerical number 4 um gini has a height of 142 cm what is her what is her height in meters and millimeters matlab मतलब आपको जो height दिया है height को basically मैं height को वैसे तो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं बट यहाँ हम d से ही रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज हाइट भी हमारा एक डिस्टेंस होता है सो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर अगर जो मैं मीटर में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो हमें पता है वन मीटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर यहाँ देख सकते हैं आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको कहाँ जाना है मीटर में तो यहाँ पे अगर जो मीटर दिया होता तो तब तो मैं डायरेक्ट हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता बट सेंटीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे हंड्रेड से डिवाइड करना होगा मतलब कभी भी आप सेंटीमीटर से दो चीज़ें याद रखिए जब मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड जब सेंटीमीटर से मीटर आना है तो डिवाइड बाई हंड्रेड सो वन फोर्टी टू अपॉन हंड्रेड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फोर टू मीटर्स यू कैन सॉल्व इट आउट नाउ दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसी को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है सो डिस्टेंस इज वन फोर्टी टू सेंटीमीटर अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था सो so, पता है कि वेन एवर वी वी आर आस्ट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन टू मिलीमीटर वी विल मल्टीप्लाई बाई टेन सो ये आ जाएगा आपका वन टू वन फोर टू जीरो एम एम दैट इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव जॉन हिज सेल फोन यूजिंग मीटर स्केल और जो उसका एक सेल फोन के जो दो एजेस हैं लाइक ये आपकी स्केल है जो पहला एज रहता है वो जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे रहता है एंड दूसरा एज कहां पे रहता है आपका थर्टीन पॉइंट थ्री सो यहाँ पे आपका इतने में ये, ये आपका सेल फोन है दिस इज योर सेल फोन ओके सो so, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आप देख सकते टोटल लेंथ निकालना है सेलफोन की तो लेंथ हमारी बेसिकली यही होगी और ये लेंथ हम कैसे पता करेंगे थर्टीन पॉइंट थ्री में से ये पॉइंट फाइव सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो so, लेंथ uh, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ सेल फोन बेसिकली इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट फाइव जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट एट इस बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं एक और एग्जांपल से सॉल्व करा देता हूँ जैसे सपोज आपके पास एक स्केल है स्केल में यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे वन सेंटीमीटर है यहाँ पे टू सेंटीमीटर है यहाँ पे थ्री है दैट इज योर फोर दैट इज योर फाइव दैट इज योर सिक्स यू हैव सेवन यहाँ पे छोटे छोटे हमारे जो बने रहते हैं वो एम एम्स बने रहते हैं वो पूरा स्केल यहाँ पे मैं नहीं बना सकता सो so, सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट रखी है ऑब्जेक्ट बेसिकली सपोज यू अ से आपने अपना शार्पनर रखा और शार्पनर यहाँ से यहाँ तक आया मतलब वन से थ्री तक आया तो अब आप मैं आपसे पूछूँ इसकी लेंथ कितनी होगी शार्पनर की तो बेसिकली आप क्या करोगे जो हायर रीडिंग होगी दैट इज़ थ्री और जो लोअर रीडिंग होगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड टू सेंटीमीटर आ जाएगा एक क्वेश्चन आपका था कि जब वैन एवर वी मेज़र द लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल तो हमें क्या क्या करना चाहिए सो so ये अगर जो आपको इस सब्ट्रैक्शन से बचना है तो आप क्या करो कि इसका एक एंड ज़ीरो पे प्लेस कर दो मतलब ये जो हमारा शॉर्पनर था ज़ीरो वन दैट इज़ वन दैट इज़ टू दैट इज़ थ्री एंड सो on. तो अगर जो मैं इसका एक एंड जीरो पे प्लेस कर दूंगा तो ये जो सब्ट्रैक्शन था वो हमें नहीं करना पड़ेगा बेसिकली जैसे ही मैंने जीरो पे प्लेस करा तो ये टू सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया बट कहीं भी आप बीच में प्लेस करते हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपकी हायर रीडिंग आ रही है उससे लोअर रीडिंग को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स सो राधा प्रिपेर्ड अ वॉल पेंटिंग जिसका लेंथ आपको दिया एंड ब्रेथ दिया है यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर दोनों में आपको एरिया केलकुलेट करना है सो so, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं एल इन टू बी सो लेंथ बेसिकली हमारा सिक्सटी सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ हमारा थर्टी सेंटीमीटर है सो so, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर सो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया बट थोड़ा प्रॉब्लम तब आएगी व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस एरिया इनटू मीटर स्क्वायर सो फिर से देखते हैं हम लोग वी हैव एरिया इज इक्वल्स टू एल इनटू बी एल इज गिवन एज सिक्सटी सेंटीमीटर सो अब हम क्या करेंगे जब हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ही हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड से अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में जो थर्टी सेंटीमीटर उसको फिर से हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो फिर से किस में आ जाएगा मीटर में ना हो आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन तो हमारा एटीन हंड्रेड ही रहना है आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं और ये हंड्रेड हंड्रेड का मल्टीप्लिकेशन आता है आपका टेन थाउजेंड अभी हो गया मीटर स्क्वायर में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लिए वन टू थ्री एंड फोर डेसीमल अभी बेसिकली आपका यहाँ पर है सो ये फोर प्लेस पीछे आ जाएगा विच मीन्स योर आंसर विल बी इक्वल टू वन पॉइंट वन एट मीटर स्क्वायर तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर यू न्यूमेरिकल नंबर सिक्स आई होप इट विल बी क्लियर और यहाँ पर जो मैंने शॉर्टकट यूज़ करा है अगर जो आपको डिवीज़न नहीं समझ आ रहा है आप इजिली डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे आपका रहेगा टेन थाउजेंड एंड यहाँ पर आपका रहेगा एटीन हंड्रेड सो डेसिमन लगा कि यहाँ पर आपको जीरो बढ़ाना है वन टाइम्स ले जाएंगे देन आप एट टाइम्स ले जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा Now, फाइनली वी रीच्ड टू अ लास्ट न्यूमेरिकल मिल्खा सिंह रनस टेन किलोमीटर इन वन पॉइंट टू फाइव आवर्स ये जो आपका टाइम है बेसिकली वन पॉइंट टू फाइव आवर्स इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है एंड सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है सो so, हम जानते हैं वन आर इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट मतलब अगर जो इस आर को हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी से सो so, टाइम इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट टू फाइव इंटू सिक्सटी सो आप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं जो भी आपका आंसर है दैट विल बी योर आंसर विल बी इन मिनट्स अगर जो मैं डायरेक्ट लिखूँ सो सिक्स फाइव जो थर्टी सिक्स टू जो ट्वेल्व फिफ्टीन सिक्स वन जो सिक्स सेवन डेसीमल सो सेवेंटी फाइव मिनट्स आएगा ओके okay, नाउ अभी इस टाइम को आपको सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड्स uh, में कन्वर्ट करना तो सो टाइम इज गिवेन एज वन पॉइंट टू फाइव आर्स एंड वी नो दैट वन आर इज इक्वल्स टू थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड्स मतलब जब कभी भी आपको आर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है देन आप किससे मल्टीप्लाई करोगे थ्री सिक्स डबल जीरो से सो टाइम इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू फाइव थ्री सिक्स डबल जीरो अगेन मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे एंड मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं डेसिमल विल बी सो फोर फाइव डबल जीरो सेकेंड आपका आंसर आएगा सो यू कैन चेक बाय मल्टीप्लिकेशन आल्सो सिंपल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस And you can check the answer. This may be wrong, but I am ninety-nine percent sure that this will be your required answer. So, if uh, result from the multiplication differs, it may be also. It can differ because I have directly multiplied here. Yeah? So, with this, students, I you know, we come to the end of this particular video. So, if you have any problem with this regarding this video, or uh, still you are not able to understand any numericals, you are always. Welcome with your questions. Thank you.